हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडो शांति कोज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम करेंगे पेरेंटिन बेरिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज बीइंग कैरिड बाय द पेरेंटिन बेरिस। पेरेंटिन बेरिस किसको लेके जा रहे थे, किसको कैरी करके लेके जा रहे थे? वो लोग ब्राइड को लेके जा रहे थे, दुल्हन को लेके जा रहे थे। ठीक है, वेयर डू यू थिंक दे आर गोइंग। वो लोग कहाँ जा रहे थे? They carry the bride to her new house. वो bride को उसके नए घर लेके जा रहे थे, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी और उसकी विदा हो गई थी, तो वो अपने नए घर जा रही थी, यानी कि अपने ससुराल जा रही थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोट अ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट इंडिकेट्स द मूड ऑफ द पेरेंटिन बेरिस। आपको पोएम ऐसे बताना है कि इसमें हमें पेरेंटिन बेरिस का मूड का पता चल रहा है। फ्लोट्स लाइक अ लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, द बेरिस फील इमेंस जॉय एंड प्राइड टू कैरी द ब्राइड टू हर न्यू हाउस। उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा खुश थे वो लोग, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि उस ब्राइड को वो लोग उसके न्यू घर में लेके जा रहे हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसका फर्स्ट, यहाँ पे आपको कुछ लाइन दे रखी है, इस लाइन में से आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। लाइटली और लाइटली वी बियर अलोंग, She sways like a flower in the wind of her song। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि पेरेंट्स जो बेरिस है, जो दुल्हन को लेके जा रहे हैं, पेरेंट की उनको उठा के लेके जा रहे हैं, तो वो उन्हें बहुत हल्की लग रही है, बहुत लाइट वेट उसका लग रहा है, और वो उसको इस तरीके से लेके जा रहे हैं जैसे कि फूल है, एकदम फूलों की तरह हल्की है वो, और हवा में वो डोल रही है, हवा में उड़ रही है। Who says these lines and about whom? ये लाइन किसने और किसके लिए कही गई है? Bearer says these lines to bride. अब देखिए B, why has the word lightly been used in the context? जो lightly word है वो क्यों use किया गया है, palanquin के लिए use किया गया है वो word। ठीक है, Identify the figure of speech used in the second line of this extract and explain it to your own words। आपको ये second line explain करनी है इसकी। ठीक है, देखिए इसमें simply a figure of speech, the bride is compared to the flower as she is very delicate, fragile and beautiful like a flower which moves or sways in the air। वो bride को compare कर रहे हैं flower से कि वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हल्की है, जिसको उन्हें उठाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है, वो लोग बिल्कुल भी थक नहीं रहे हैं, उन्हें बहुत ही हल्की लग रही है वो चीज, जिससे कि एकदम फ्लावर की तरह, फूल की तरह, जो कि हवा में लहरा रही है। ओके, तो बच्चा आपको इस क्वेश्चन से अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।